आज सुबह कोतवाली थाना क्षेत्र के फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में अचानक से सफेद रंग की गाड़ी से आए युवकों ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया। हमला करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता के भतीजा राजा यादव फॉरेस्टर प्लेग्राउंड में मॉर्निंग वॉक के लिए गया था। जैसे ही मॉर्निंग वॉक कर निकल ही रहा था कि अचानक एक सफेद रंग की गाड़ी पर 4 से 6 युवक आए और राजा यादव पर हमला कर दिया। हमला के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। वहीं घायल को जिला चिकित्सालय लाया गया है, जहां इलाज जारी है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश जारी है। विंध्य समाचार के लिए कटनी से अशोक वर्मा की रिपोर्ट। घटना सुबह फॉरेस्टर प्लेग्राउंड की है। बच्चे क्रिकेट खेलने जाते हैं वहाँ डेली। वहाँ पे कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा उसके ऊपर प्राणघातक हमला किया गया। चाकू से उसको कम 7 जगह प्रहार है। सर में उसके चोट है। सीटी स्कैन कराने के लिए बोला है डॉक्टर ने। और अपराधी प्रवृत्ति के ही लोग हैं वो लोग। कब की घटना है? सुबह ये सुबह 8:30 बजे की। किनके द्वारा किया गया था? कुछ असामाजिक हैं, सागर निषाद, फूल निषाद, अजय निषाद, सनी निषाद, और भी जानकारी नहीं। कोई पुराना विवाद? पुराना किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं। नाम क्या है जिनको चुटाई है? उसका नाम राज है। क्या नाम है आपका? मैं कृष्णकांत, उसका पिता हूँ।